देखिए, यूं तो हर कोई जानता है कि अगर कोई तकलीफ हो और ज्यादा समस्या हो ना, तो आईएएस ऑफिसर्स जो है ना, ज्यादातर इनके पास लाइफ की हर समस्या का समाधान होता है। भैया देश जो है ये लोग चला रहे हैं, तो अपना जीवन तो सुचारू रूप से चला ही लेंगे, भाई ऐसी धारणा तो है। लेकिन हमारी कल्याणी की राबता को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इनकी अपनी लाइफ की समस्याएं नहीं सुलझती, ये देश की समस्याएं कैसे सुलझाएंगी? सोप में जब तक ड्रामे का तड़का ना पड़े, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता है। कहानी में स्वाद लाने के लिए हर तरह का ड्रामा दर्शकों के सामने परोसा जाता है। अब कल्याणी, जो कल तक सबका कल्याण करती थी, इस शेरनी बनकर घूमा करती थी, आज बेचारी की बोलती बंद हो गई है। आओसा उससे जो जो करवाना चाहती है वो उसे करना पड़ रहा है। कभी ठंडा पानी अपने ऊपर डालने कहा जाता है, तो कभी घर का पोछा भी उसे लगवाया जाता है, और देखिए सामने बड़ा सा फैन भी चलाया जाता है। एक तो बेचारी भीगी भागी सी है, और उस पर इतना बड़ा पंखा उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब आउसा, आप कल्याणी की इतनी बड़ी दुश्मन कब से हो गई? अब कल्याणी के साथ इतना बुरा बर्ताव देखकर भला शेरा कैसे चुप रह सकता है? अब शेरा की शक्ल मल्हार से मिलती है, या फिर क्या पता वो मल्हार ही हो। तभी तो उसे बुरा लग रहा है कल्याणी के साथ ये सब होता देख। उसका बदला उसने आओ साहब से बराबर लिया। अरे बाप रे, हमारी कल्याणी को बहुत परेशान किया ना, तो मैं खुद बुरी बड़ा बन के आपके स्तर पे अब सुनने में आ रहा है सीरियल तुझसे है राबता जल्दी अपने दर्शकों से विदाई लेने वाला है। तो भाई ऐसे में प्रोड्यूसर चाहते हैं कि सीरियल की कहानी को जल्द से जल्द समेट लिया जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।